दोस्तों, इस वीडियो में हम 1975 से लेकर अभी तक 13 वर्ल्ड कप की जर्नी को देखेंगे और हर वर्ल्ड कप एडिशन में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1975 में उड़िया वर्ल्ड कप का पहला एडिशन आयोजित हुआ। इसे इंग्लैंड ने होस्ट किया और इसमें इंडियन टीम हिस्सा बनी थी और इस टीम के कप्तान थे श्रीनिवास बनकट और टीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे बैट्समैन सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ साथी, बॉलर महेंद्र अमरनाथ और बिशन सिंह बेदी जो टीम के वाइस कैप्टन भी थे। इंडियन टीम टूर्नामेंट की दूसरी टीम के मुकाबले थोड़ी इनएक्सपीरियंस थी क्योंकि बस एक साल पहले ही इस टीम ने अपना पहला ओडीआई मैच खेला था और शुरुआती कुछ मैचेस इंडिया के लिए कुछ खास परफॉर्मिंग नहीं थे। टूर्नामेंट में सभी मैचेस 60 ओवर्स के होते थे। साथ ही टीम्स को दो दो ग्रुप में बांटा गया जहां ग्रुप बी में थी इंडियन टीम। इंडियन टीम के साथ इस ग्रुप में थी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ईस्ट अफ्रीका के साथ। टीम्स इंडिया का पहला वर्ल्ड कप मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ और इस मैच को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी और इंडिया को 335 बैटिंग करी और इंडिया को 335 रन का बड़ा टारगेट दिया इंग्लैंड का स्कोर। उस वक्त ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया था और इंडियन टीम के लिए इसको चेज कर पा लेने का सवाल ही नहीं बनता था। इंडियन टीम की उस मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस हमेशा के लिए इंडियन टीम के लिए एक नेशनल डिसग्रेस बनने वाली थी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी सुनील गावस्कर की बैटिंग, क्योंकि इस मैच में उन्होंने इतनी स्लो बैटिंग करी थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो ग्राउंड में पूरे 60 ओवर तक टिके रहे और इसमें उन्होंने 174 बॉल्स खेली लेकिन रन बनाए केवल 36, जहां उनका स्ट्राइक रेट था सिर्फ 20 का। उन्होंने 174 बॉल्स में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी और उसके अलावा कभी रन्स की स्पीड बढ़ाने की कोशिश तक नहीं करी। इस मैच में इंडिया ने 60 वर्ष खेलकर सिर्फ 135 रन्स बनाए और इंडिया की विकेट्स भी सिर्फ 3 ही गिरी थी। जब गावस्कर के ऊपर हर तरफ से सवाल उठने लगे तो वह कहने लगे कि वे आउट ऑन एफ फॉर्म थे, लेकिन ये वजह सुनने में कुछ आधी अधूरी सी लगती है। खैर, आगे बढ़ते हुए इंडिया के दो ग्रुप स्टेज मैचेस और हुए जिसमें से ईस्ट अफ्रीका के अगेंस्ट इंडियन टीम जीत गई और इस मैच में गावस्कर ने भी अपनी बैटिंग में सुधार किया और एक नॉट आउट हाफ सेंचुरी लगाकर टीम को जीत की तरफ बढ़ाया। लेकिन अगले मैच में न्यूजीलैंड से इंडियन टीम नहीं जीत सकी और क्योंकि इंडिया अपनी 3 डॉट मैचेस में से 2 मैचेस हार गई थी तो वह आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए और इंडिया का पहला वर्ल्ड कप कंपैंड डिसपॉइंटिंग स्टॉप पर आकर के खत्म हो गया और इसी वजह से ग्रुप स्टेज में पहले के मुकाबले डबल मैचेस हुए।